मौसम का मिजाज क्या वाकई बदल गया? पहले सर्दियों गर्मियों के बीच बसंत का मौसम आता था जिसमें पेड़ों पर नई पत्तियां दिखाई देती थी, आज वो मौसम नदारद हो चुका है। ऐसा क्यों हुआ है और क्या ये बदलाव हमेशा के लिए? पर्यावरण रक्षा के भारत के प्रयास बहुआयामी रहे हैं और भारत ये प्रयास तब तक कर रहा है जब दुनिया ने, आज जो क्लाइमेट के लिए दुनिया परेशान है, उस बर्बादी में हम लोगों की भूमिका नहीं है, हिंदुस्तान की भूमिका नहीं है। विश्व के बड़े और आधुनिक देश ना केवल धरती के ज्यादा से ज्यादा संसाधन का दोहन कर रहे हैं बल्कि सबसे ज्यादा कार्बन एमिशन भी उन्हीं के खाते में जाता है। क्या वाकई मौसम में ऐसे बदलाव हो रहे हैं जो इससे पहले कभी नहीं हुए? क्या मौसम अपने तय वक्त से पहले आने लगे? अचानक से मौसम के मिजाज में बदलाव होना क्या किसी गंभीर खतरे का अलार्म? यहाँ पर जो प्रकृति है वह अब ट्रांजिशन की तरह नहीं काम करती है। प्रकृति स्पॉन्ज की तरह काम करती थी, प्रकृति ट्रांजिशन की तरह काम करती थी। और प्रकृति क्या करती थी? गर्मी को कम गर्म, जाड़े को कम सर्द बनाने का काम करती थी। इसके अलावा जितने भी जो नगरीय क्षेत्र हैं या ऐसे क्षेत्र हैं वहां पर जितने भी वाटर बॉडीज हैं वो नुकसान हो चुके हैं, उनका नुकसान हो चुका है, वनस्पति का नुकसान हो चुका है, मिट्टी का नुकसान हो गया है और मिट्टी के जगह पर अब पूरी तरह से कॉन्क्रीट जंगल बन चुका है। अब इसकी वजह से क्या होता है कि तुरंत ही गर्मी बढ़ जाती है, तुरंत ही सर्दी बढ़ जाती है और तुरंत गर्मी और सर्दी बढ़ने से, तुरंत मॉइस्चर के बढ़ने से जो जो प्रभाव हो सकते हैं वो सारे के सारे प्रभाव दिखने में आ रहे हैं। वैज्ञानिकों ने ऐसे शोध किए हैं जो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि मौसम के ये बदलाव वाकई हो रहे हैं। उनके अनुसार हवाओं का एक खास पैटर्न भी इसका जिम्मेदार हो सकता है। इस पैटर्न को नॉर्दर्न एन्युलर मोड कहा जाता है। इन हवाओं में मौसम के साथ साथ बदलाव हो रहा है। हवा की ताकत और दिशा में बदलाव होने से समुद्र के ऊपर की गर्मी जमीन पर आ सकती है जिससे मौसम की टाइमिंग पर फर्क पड़ सकता है। वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि धरती की सूखी परत पर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो जमीन तेजी से गर्म होती है और वातावरण भी उतनी ही तेजी से गर्म हो जाता है। इन कारणों से मौसम की टाइमिंग में बदलाव आ सकता है।
आप जैसे बताया कि इम्पैक्ट ऑफ द जो क्लाइमेट चेंज है, जो बदलती हुई जो लॉन्ग टर्म पीरियड का एवरेज है, उसका इम्पैक्ट इस साल ज़्यादा प्रीडोमिनेटली दिल्ली के लिए देख सकते हैं। जैसे स्प्रिंग का जो पीरियड शॉर्ट हो गया, एकदम से विंटर से समर आ गया, वो तो फैक्ट है, ऑब्जर्वेशन करता है। देश में पिछले 8 साल में जो योजनाएं चल रही हैं, जो भी प्रोग्राम चल रहे हैं, सभी में किसी न किसी रूप से पर्यावरण संरक्षण का आग्रह है। स्वच्छ भारत मिशन हो या वेस्ट टू वेल्थ से जुड़े कार्यक्रम, अमृत मिशन के तहत शहरों में आधुनिक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स का निर्माण हो या फिर सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्ति का अभियान, या नमामि गंगे के तहत गंगा स्वच्छता का अभियान, वन सन वन ग्रिड, सोलर एनर्जी पर फोकस हो या इथेनॉल के उत्पादन और ब्लेंडिंग दोनों में वृद्धि, पर्यावरण रक्षा के भारत के प्रयास बहुआयामी रहे हैं। सिर्फ बात हिंदुस्तान की नहीं है बल्कि दुनिया भर में मौसम का मिजाज बदल गया है और मौसम वैज्ञानिकों का ये कहना है कि ये बदलाव अब स्थायी है, क्योंकि जब जब ये कहा गया कि इंसान को अपनी आदतों को बदलना होगा, ऐसा हुआ नहीं तो प्रकृति ने ही जैसे खुद को बदल लिया। बिगड़ता और बदलता मौसम का मिजाज सिर्फ भारत नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक चेतावनी है। हाल ही में क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में बारिश हुई और अचानक से हर तरफ गाड़ियों के लिए जल समाधि जैसे हालात बन गए। रास्ते, घर, सब तालाब का हिस्सा लगने लगे। ऑस्ट्रेलिया में खतरे का अलर्ट जारी हो गया। ब्राजील में भी मौसम की मार ऐसी पड़ी कि एक झटके में 44 लोग मौत के मुंह में समा गए। मौतों का आंकड़ा 128 को पार कर चुका है। कई राज्य बारिश के पानी में डूब चुके हैं। भारी बारिश ने हर तरफ तबाही के निशान छोड़ दिए और खतरा अब भी लगातार बना हुआ है। दक्षिण मेक्सिको में अगाथा तूफान आया और देखते ही देखते 10 लोग मौत के मुंह में समा गए। मेक्सिको में लोग अब भी अपनों को ढूंढ रहे हैं। 20 से ज्यादा लोग लापता हैं। सैकड़ों मकान ना जाने पानी में कहां बह गए। मेक्सिको के दक्षिणी हिस्से में सब कुछ शांत था, अचानक से 105 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली और फिर तेज बारिश आई और सब कुछ तहस नहस हो गया। भारत समेत दुनिया के कई हिस्सों में मौसम और पर्यावरण चेतावनियों पर चेतावनियां दे रहा है। हालात साल दर साल बिगड़ रहे हैं।